क्लास 8 तो चैप्टर पढ़ेगा 6 तो ते चैप्टर का नाम है वर्ग ते वर्गमूल। वर्गमूल अपन इंग्लिश की बोलते हैं स्क्वायर ते वर्गमूल अपन बोलते हैं स्क्वायर रूट। अपन एक फिगर बनाई हुई है मैथमेटिकली ते की बनाया है अपन वर्ग। वर्ग केड़ा हुंदा है? ओ वर्ग हुंदा जेदियां चार ही क्या मर्जी होण बराबर होण। फिर आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल की होंगे भुजा गुणा भुजा होंगे मतलब कि भुजा को भुजा का गुणा कर दो एक साइड को दूसरी साइड का गुणा कर दो अपने को बन जाता है उसका क्षेत्रफल या एरिया निकल आता अपने। ठीक है क्षेत्रफल को बोलते हैं अपन एरिया मतलब कि यदि भुजा मतलब दो आ तेरी बाकी भी हमें कितनी होंगी दो होंगी ये भी दो होगी ये भी दो होगी ये भी दो होगी। हुण खेत्रफल करन लगे आपां ही करदे आं आपां भुजा नूं भुजा दे नाल गुणा कर दिंदे आं ये किन्ने आपणे कोल 2 ये भी किन्ना 2 इहनूं इहनां गुणा कीती किन्ना आ गया 4 4 बण गया 2 गुणा 2 आ गया आपणे कोल 4 इहदा खेत्रफल आ गया। हुण आपां इधर लिखिआ वर्ग दी भुजा ते आपां इधर उहदा वर्ग दा खेत्रफल जिहड़ा उह कढ़ी जावांगे। ठीक है आ कहिंदे वर्ग दी भुजा आपां वर्ग दी भुजा मान ली 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर मन्नी आ और इधर क्या पूजा बोला पूजा क्षेत्रफल कटने लगे आप करने 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर दो पूजा हो गई अपने को। ठीक है ना वर्ग की पूजा कितनी होगी 1 सेंटीमीटर तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है पूजा गुणा पूजा वो भी 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर और एक को एक ना गुणा करिए आप एक के कम एक आ गया एक को एक ना गुणा कीजिए एक आ गया इधर आंसर आ गया 1 ना सेंटीमीटर 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 नु सेंटीमीटर ना गुणा कीजिए कितने सेंटीमीटर बन गए 2 सेंटीमीटर हो गए इसके होगा 1 सेंटीमीटर दी घात 2 नाल जो भी लिखा होवे अपनी डिमेंशन दी होवे सेंटीमीटर मीटर कुछ भी दिता होवे जदों भी आपा क्षेत्रफल कढ़ना आ इने हमेशा घात 2 बन जानी है। एक जो जो ध्यान रखनी है सेंटीमीटर ना कुछ भी आ ओदे ऊपर इथे लिखना 2 जे एदा लिखदे आ रोंग मेथड आ एदे ऊपर लिखनी घात 2 क्लियर। फिर आप लेते हैं 2 साइड की नहीं आ गई हम 2 सेंटीमीटर हम गुणा कर रहे हैं 2 सेंटीमीटर गुणा 2 सेंटीमीटर 2 ने दो ना गुणा की थी 4 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर ना की थी सेंटीमीटर की घात अंक 2 देखो मैं बिल्कुल ऊपर लिख रहा हूं ठीक है एज इट इज तो ये लिखना। फिर आप लेते हैं 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 ने 3 ना गुणा की थी 6 गुणा 3 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 9 3 ਦੀ ਇਹ 9 ਘਾੜਾ ਪੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ 9 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਘਾਤ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 2 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 4 ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ 4 ਕੀ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋ 16 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਘਾਤ ਅੰਕ 2 ਆ ਬਣ ਗਿਆ ਰੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਣਾ ਉਸੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਰਗ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ 1 ਦਾ ਵਰਗ ਕਿੰਨਾ 1 2 ਦਾ ਵਰਗ ਕਿੰਨਾ 4 3 ਦਾ ਵਰਗ ਕਿੰਨਾ 9 4 ਦਾ ਵਰਗ ਕਿੰਨਾ 16 9 ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 5 ਦਾ ਵਰਗ ਕਿੰਨਾ 5 5 ਪਹਿਲੇ 5 ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਲਈ 6 ਦਾ ਵਰਗ ਕਿੰਨਾ 36 ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 30 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਆਪ ਬਣਾ ਲੈਣੇ 30 ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ 30 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਲਿਖ ਲੈਣਾ 26 ਨੂੰ 26 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਗ ਆ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਵਰਗ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਆਫ ਦਾ 1 ਕਿ 1 ਦਾ ਵਰਗ ਕਿੰਨਾ ਆ 1 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ 1 ਕਿੰਨਾ 1 ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਆਫ ਦਾ 7 7 ਦਾ ਵਰਗ ਕਿੰਨਾ 7 ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦਾ ਵਰਗ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦਾ ਵਰਗ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਰਗ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਨੁਪਜਾ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵਰਗ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਲੀਅਰ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਵਰਗ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵਰਗਮੂਲ। ਹੁਣ ਵਰਗਮੂਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵਰਗਮੂਲ ਦਾ ਸਾਈਨ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਸਾਈਨ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਾਰਕ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵਰਗਮੂਲ ਵਰਗਮੂਲ ਦਾ ਸਾਈਨ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਵਰਗਮੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵਰਗਮੂਲ ਕਿੰਨਾ ਵਰਗ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਬਰਾਬਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਵਰਗ ਦੀ ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਵਰਗ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 1 ਲਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ 1 ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵਰਗਮੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾ 1 ਠੀਕ ਹੈ 1 ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ 1 ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋ 1 ਗੁਣਾ 1
एक गुणा एक मतलब कि एक गुणा एक बने अपने को आ गया एक वर्ग की पूजा कितनी सी एक अपने को वर्गमूल कि आ गया एक का वर्गमूल कि आ गया एक आ गया फिर आप लिखते हैं एक चार फिर चार आता ना चार का वर्गमूल चार में कितना लिख सकते हैं दो गुणा दो लिख सकते हैं जो दो गुणा दो लिखते थे पूजा कितनी आ गई दो आ गई ना पूजा पूजा दो आ ना उठा हो जाता मतलब कि इसका वर्गमूल कितना होगा दो चार का वर्गमूल कितना दो इस तरह नेक्स्ट केड़ा अपने को नौ नौ का वर्गमूल कितना होगा नौ नु कितना लिखते हैं आप तीन गुणा तीन ना लिखता हूँ क्या जी लिखता हूँ कि इतने किन्ने दो आ गए अपने को दो बारे टू लिख सकते ना चार दो लिखने के लिए आप लिखा दो गुणा दो ठीक है उपर का वर्गमूल का साइन लगाता हूँ इतने किन्ने दो आ दो आ ना दो की घात अंक नहीं बन गई दो ये जो दो है वर्गमूल कटिया जाता रह गई अपने को दो वर्गमूल आ गया जो वर्ग कटना जो वर्गमूल लिखते हैं चार का वर्गमूल कितना जिन गुणा किया नंबर नौ वर्ग है तीन का वर्ग किन्ना है नौ नौ का वर्गमूल किन्ना है चार का वर्ग किन्ना है सोलह का वर्गमूल किन्ना है क्या करना ठीक है ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਆ ਗਿਆ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਤਿੰਨ ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਕੱਟ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦੋਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤਾਂ ਵਰਗਮੂਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸਿੱਖਣੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗਮੂਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1 ਬਾਈ 2 ਵਰਗਮੂਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਅੱਧਾ 1 ਬਟਾ 2 ਹੁੰਦਾ ਆ ਥੋੜੇ ਕੱਟ ਕਿਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਿਖੀਏ ਕਿ ਇੱਥੇ 5 ਲਿਖਦੇ ਆ 5 ਗੁਣਾ 5 ਲਿਖ ਲਿਆ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਦੀ ਘਾਤ ਅੰਕ 2 दो पांच आ गए ना अपने को पाइप के टाइम आता दो बारी उन्होंने आप पांच की पावर करके लिखता पांच की पावर या घात कि बन गई दो हम जो वर्गमूल है यदा मतलब की है एक बटा दो हम आप इसे पांच की दो आते बाहर इसे घात बन गई एक बटा दो आ चीज बन गई ठीक है वर्गमूल हटाया था ना मैं नो जो वर्गमूल हटाया तो उसकी जगह तक लिखा एक बटा दो हम आ चीज आते दो कट जाते हैं कट गए पांच की घात कि रह गई एक एक रह गई किसी मतलब पांच की घात एक है तो पांच को आप कि बार लिखा एक बार कि रह गया यदा आप कि वर्गमूल बन गया पांच पच्ची से ना पच्ची पाया पच्ची आना से मतलब पच्ची से पच्ची कि लिखा पांच गुणा पांच फिर पांच की घात दो वर्गमूल फिर वर्गमूल का कि आ गया एक बटा दो बिच भी दो बार भी दो दो कटिया गया इदा चीज कटी जाती है ठीक है ब्रैकेट के बिच भी हुई होर बटा जो हो घात बटे दिती हो दो नंबर सेम होने ये बड़ा तो ये बड़ा तो कट्टे ही आएंगे पांच की घात अगर एक बची तो पांच में कितनी बार लिखा एक बच पंजी का वर्गमूल कितना पांच वैसे तुम डायरेक्ट याद करें तीह तक सारे अगर तीह तक लिखने हैं ना तो मतलब 36 का वर्गमूल 6 49 का वर्गमूल 7 64 का वर्गमूल 8 81 का वर्गमूल 9 100 का वर्गमूल 10 121 का वर्गमूल 11 144 का वर्गमूल 12 दैन फोन ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਰਨ ਕਰ ਲਏ ਕਲੀਅਰ